नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मनी रेखी ऑनलाइन कोर्स, आज हम इस पर बात करेंगे। जो लोग मनी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, मनी के ब्लॉकेजेस उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो लोग मनी रेखी हमारा ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं। मनी रेखी ऑनलाइन कोर्स का प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए जुड़ा है। रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से मेरे नंबर्स आते हैं, आप मुझसे संपर्क करते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उसके थ्रू आप मुझसे जानकारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग मनी कोर्स और कौन लोग कर सकते हैं मनी रेखी कोर्स में, क्या क्या हमें सीखने को मिलता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती समझाती हूँ। मनी रेखी कोर्स बेसिकली क्रिएट अ पॉजिटिव वाइब्रेशंस, और वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो आपके लिए वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी कैच करेगा। वेल्थ प्रॉस्पेरिटी हमारे मनी कोर्स के अंदर सिखाई जाती है। वो रिचुअल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं जो मनी की वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं। हमारे मनी कोर्स से जुड़ने के बाद में जो लोगों को हमेशा की शिकायत रहती है कि मनी की वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं हो रही, पॉजिटिविटी नहीं आ रही, वो लोगों के लिए मनी कोर्स, जैसा इसका नाम है, इसकी वाइब्रेशंस भी उसी तरीके की है। आप लोग हमेशा मुझसे कहते हैं कि हमने रेखी से जुड़े हुए हैं, रेखी कोर्स कर रखा है। यदि आप जुड़े हैं, रेखी के कोर्स कर रखा है और वाइब्रेशंस मनी की क्रिएट नहीं हो रही, तो मैं कहूंगी मनी रेखी कोर्स से जुड़ के उन वाइब्रेशंस को क्रिएट कीजिए, रिचुअल्स फॉलो कीजिए। अफर्मेशंस डालना आप भूल जाते हैं, प्रॉपर आपके थॉट क्लैरिटी नहीं आती, वो सारी चीजें जुड़ती हैं। मनी के अंदर हम वो चीजें समझते हैं जो कि हमारी मैनिफेस्ट करने में हमें मदद करती हैं। मनी पर्टिकुलर क्या है, या मनी में हम ग्रीन एवेंजुन स्टोन का ही इस्तेमाल क्यों करें, मनी में हम 520 नंबर देते हैं वो क्या वाइब्रेशन क्रिएट करता है। 520 नंबर्स में हमेशा करती हूँ प्रेजेंट द मनी वाइब्रेशन, आपके लिए वेल्थ प्रॉस्पेरिटी वाइब्रेशन क्रिएट करना शुरू कर देगा। देन ग्रीन एवेंजुरियन हो गया, वो भी आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करना शुरू कर देगा। वो सारी चीजें हम मनी रेखी कोर्स में समझते हैं। वी यूज सम काइंड ऑफ रिचुअल्स देयर, रिचुअल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी वाइब्रेशंस को। जब आप उन वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं, आपने देखा होगा हमारे जो घर के बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो कई प्रकार के रिचुअल्स को फॉलो करते थे। जैसे शंख का प्रयोग करना, वो शंख का इस्तेमाल करते थे। अब तो धीरे धीरे सब चीज भूल गई है, आजकल हर चीज इतनी आर्टिफिशियल है कि शंख तक आर्टिफिशियल बनाए जा रहे हो, आप उनको समझ भी नहीं सकते कि वो नकली है। ये ऐसी वाइब्रेशंस उन शंखों में आती है, तो वो वाइब्रेशंस भी शंख की नकली क्रिएट होना शुरू हो गई है। तो पहले के लोग असली चीजें, या आपके पास पुरानी ऐसी चीजें रखी हो, उनको प्लीज अपने पूजा घर का पार्ट बनाइए, उन रिचुअल्स को फॉलो कीजिए। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हम यहाँ समझाते हैं जो टाइम बीन हम भूल चुके हैं। जैसे स्वास्तिक, व्हाट स्वास्तिक रिप्रेजेंट द पॉजिटिविटी। वो एक स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। जब भी कोई अच्छा, या आपको घर में बहुत ऐसा पूजा पाठ का काम करना था, तो पंडित जी करते हैं स्वास्तिक का इस्तेमाल करते हैं। वो हल्दी से, रोली से, अष्टगन से, कुमकुम से, चावल से, अलग अलग तरीके से स्वास्तिक बनाते हैं। हवन जब हम करते हैं तो क्यों पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, क्यों कहते हैं कि हवन में जब आप आहुति डालें तो आपके देवतागण प्रसन्न हुए, आपके लिए पॉजिटिविटी आई, क्यों आई। वो सारी रिचुअल्स जो है, ये सारी चीजें हमारी जो ऑरा है उसे क्लीन कर रहे हैं। इनफैक्ट जब हवन में आप बैठते हैं तो उसका जो गंध है, उससे आपका 8% सारा जो एनवायरमेंट है वो क्लीन होता है। हमने यहाँ पे मनी ऑयल बनाया है, उनसे हम क्यों बोलते हैं आप इस्तेमाल कीजिए, और आप ये कहते हैं हमने इस्तेमाल किया एकदम से पॉजिटिविटी आई, एकदम से क्यों चेंज हुआ, बिकॉज वो उतनी एनर्जी आपको प्राप्त हुई। तो जब आपने एनर्जी प्राप्त की तो ऑटोमेटिक वो रिप्रेजेंट आपके लिए पॉजिटिविटी उसने तुरंत करना शुरू कर दिया। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपकी पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही हैं। नंबर्स, 520 नंबर्स हो गया, वो क्रिएट पॉजिटिविटी। आपके रिचुअल्स हो गए, क्रिएट पॉजिटिविटी। जब आप मनी रेखी कोर्स का पार्ट बनते हैं तो आपको ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी क्रिएट करना शुरू कर देती है। या लोग हमसे सवाल करते हैं कि नहीं मैम, मनी रेखी कोर्स कौन लोग कर सकता है, या मनी रेखी कोर्स में हमें क्या, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमने इसका मनी रेखी कोर्स ही काम क्यों रखा, हम कुछ और भी रख सकते थे ना, क्योंकि बेसिकली हम इसमें मनी की ही वाइब्रेशंस को समझ रहे हैं। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ हर चीज भाग्य से प्राप्त होती है, मनुष्य के किस्मत में भाग्य का अत्यधिक स्थान है।
हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, लेकिन प्रार्थना तो आप कर सकते हैं ना, वो तो आपका हक है। आप कर्म भी कर सकते हैं, उसके स्वरूप की और भाग्य के स्वरूप ही आपको फल प्राप्ति होती है। मरी रेखी कोर्स यही कॉम्बिनेशन है, हम आपके भाग्य का साथ आपको देना सिखा देते हैं, बाकी कर्म प्रधान है, उस कर्म से आप जुड़ते हो। मनी रेखी कोर्स को आप धीरे धीरे करते हो, रिप्रेजेंट पॉजिटिविटी करना शुरू कर देता है। स्टोन्स, क्रिस्टल्स, सिंबल्स, पॉजिटिविटी, वाइब्रेशंस, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ द मनी कोर्स है। ये सारी चीजों से आप मनी की वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन, ऑरा वाइब्रेशंस को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। हम क्यों कहते हैं कि सिट्रीन का इस्तेमाल कीजिए, ग्रीन एवेंचुरियन का इस्तेमाल कीजिए, पन्ना या आपका ग्रीन सफायर हो गया, ये सारी चीजें क्यों हमारे लिए वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं? क्यों जो रिच लोग हैं या कोई ऐसे जो तरक्की करते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम क्यों बोलते हैं आप उनसे संपर्क स्थापित कीजिए, प्लीज उनसे दूर मत भागिए, चिड़िए मत नहीं, आप उनसे दोस्ती मित्रता कीजिए, आप उनसे गांठ बांध के मत बैठिए, बिकॉज आपको नहीं पता उनके कौन से ऐसे कर्मा है, कौन सी ऐसी वाइब्रेशन है जो उनको इतना स्ट्रांग बनाई हुई है। अगर आप उनकी ओरा में रहेंगे, आप उनसे दोस्ती करेंगे, आप उनसे मिल मिलाप करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी आपके लिए भी क्रिएट होंगी। तो दोस वर गेटिंग अ वेरी बिग नेम एंड फेम और रियली में उनके पास वो ओरा है, तो प्लीज उनसे कनेक्ट हुई, उनसे दूर मत भागिए। मेक अ गुड फ्रेंड, मेक अ गुड रिलेशनशिप विद देम, आप उनसे मंथली या आपने 15 डेज में आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए। ज्यादा दूर का संबंध है तो उस हिसाब से आप मैनेज कीजिए। देन जब आप मनी रेखी कोर्स कर लेते हैं तो हम आपको कई प्रकार के यहाँ पे रिचुअल्स बताते हैं, वो भी आप फॉलो कीजिए। रेखी से जो जुड़े हुए हैं, रेखी का फर्स्ट सेकंड लेवल कर रखा है, थर्ड लेवल कर रखा है, वो लोग तो जरूर कीजिए। अगर आपने रेखी सीख रखी है तो ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इसी से ही आप मनी की वेल्थ की वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। सिंबल हो गया, उसका यूजेस है, हमने जैसे स्वास्तिक का बताया, स्वास्तिक का एक लाइफ में पार्ट है। स्वास्तिक आप कभी भी कहीं देखते हैं तो आप कहीं भी देखेंगे तो जो रिप्रेजेंट जो आपके अंदर एक फीलिंग आएगी, आप देखेंगे बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे। ते डायरेक्शंस द फोर पार्ट, आपके देखिए आपके चारों दिशाओं में स्वास्तिक की वेन्स होती है, देन ऊपर भी लाइंस होती है, बीच में पॉइंट्स भी आते हैं, फोर पॉइंट, देन शोज एलिमेंट, उसके अंदर आपके पंच तत्व, पंच एलिमेंट, वहां तक स्वास्तिक काम करता है। एक छोटा सा स्वास्तिक इतनी वाइब्रेशन रखता है, कोई भी पूजा पाठ होती है दरवाजे पे ही क्यों बनता है, नेगेटिविटी रिमूव होनी शुरू हो जाती है। यू कीप द स्वास्तिक, जब पूजा पाठ आप किसी पंडित जी से कराते हैं, आप गाड़ी भी खरीदते हैं अक्सर लोग वहां पे ओम या स्वास्तिक, सबसे पहले पंडित जी स्वास्तिक ही बनाएंगे। आप कोई नई गाड़ी या मंदिर में आप जाके करते हैं, क्यों ऐसा क्यों करते हैं, या देवी जी के त्रिशूल का निशान वहां पे क्यों बनता है, ये सारी आपकी वेल्थ, आपकी प्रोस्पेरिटी को क्रिएट करती है। तो सिंबल्स रोल आर वेरी बिग इन योर लाइफ, जो सिंबल्स का स्थान है वो आप समझ नहीं सकते, इतना स्ट्रॉन्गली स्थान होता है। यहाँ पे मैं रिकमेंड करती हूँ जिनको ज्यादा ब्लॉकेजेस है, उनको मनी नहीं रुकता, मनी की प्रॉब्लम है, सुलेमानी अकीक, उसको आप लोग अपने पांच स्टोन को रखिए। मैं ये नहीं कह सकती हर किसी के लिए काम करेगा, मगर अगर किसी के लिए कहा है तो ये ट्रांसफॉर्मिंग स्टोन है। बाकी आप इस मनी रेखी कोर्स से जुड़िए, इसकी वाइब्रेशन से जुड़िए, क्रिएट द पॉजिटिव वाइब्रेशन इन योर लाइफ, और इसको जुड़ने के बाद में पॉजिटिविटी आप क्रिएट करना शुरू कर देंगे। मेरे रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से आप जुड़े हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।